ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ओबीसी महासभा और गुर्जर समाज की महापंचायत आज होने वाली है। फुलबाग मैदान पर आयोजित होगी ये महापंचायत। कहा जा रहा है कि महापंचायत में ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लोग इसमें शामिल होंगे। ओबीसी महासभा का दावा है 20,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। तो ओबीसी वर्ग के हित से जुड़े विषयों पर भी यहाँ पर मंथन होगा, ये जानकारी सामने आ रही है ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर। तो महापंचायत का जो आयोजन किया जा रहा है, ओबीसी महासभा का दावा है कि 20,000 से ज्यादा लोग इस महासभा में शामिल होंगे। तो वहीं ओबीसी वर्ग के हित से जुड़े विषयों पर भी यहां पर मंथन होगा, ग्वालियर से ये जानकारी सामने आ रही है बड़ी जानकारी। तो ओबीसी महासभा और गुर्जर समाज की महापंचायत आज होने जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कर्ण मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर्ण का रुख करेंगे। कर्ण, महत्वपूर्ण जानकारी देखिए सामने आ रही है, ओबीसी महासभा और गुर्जर समाज की आज महापंचायत होने वाली है, फूलबाग मैदान पर ये आयोजित हो रही है। कितने तादाद में लोग यहां पर पहुंचेंगे, क्या उद्देश्य आज इस महापंचायत का? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं मैं कि ग्वालियर में आज एक बड़ी महापंचायत जो है ओबीसी महासभा और गुर्जर समाज की होने जा रही है। इस महासभा में दावा किया गया है ओबीसी महासभा की तरफ से कि 20,000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे, जो कि ओबीसी वर्ग के हित से जुड़े हुए विषयों पर मंथन करेंगे। क्योंकि ये इस महापंचायत में एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो उठने जा रहा है वो उत्तर प्रदेश में हुई आकाश गुर्जर की हत्या को मामले में न्याय दिलाने के लिए पूरी महापंचायत आयोजित हो रही है। इसमें कई विषय और भी रहेंगे, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि ये पूरी महापंचायत 24 घंटे कंटिन्यू जारी रहेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं ओबीसी के हित से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण विषय भी इस महापंचायत के जरिए सामने निकल कर आएंगे। वहीं 5 मई को इस महापंचायत का समापन होगा, जिसमें अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं ओबीसी के साथ एससी एसटी वर्ग के बड़े नेता भी इस महापंचायत में शामिल हो रहे हैं। तो इसके जरिए देखना होगा कि 24 घंटे की इस महापंचायत के बाद ओबीसी से जुड़े हुए, ओबीसी सहित एससी एसटी वर्ग से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं वो किस तरह से सामने निकल कर आते हैं, क्या इस महापंचायत के जरिए सीधे तौर पर सरकार को भी घेरने की तैयारी है। क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल ये वही अंचल है जहां से मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर बदली थी। ऐसे में देखना होगा कि ये ग्वालियर चंबल अंचल के ये लोग जब इकट्ठे हो रहे हैं तो इसके बाद क्या तस्वीर बदलती है। ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।